मेडिकल कॉलेज के निर्माण स्थल के साथ लगते ग्रामीणों ने अपनी सड़क की समस्या को लेकर एक बार फिर से हमीरपुर पहुंचकर एडीएम जितेंद्र साजटा को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण करवाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीणों के सालों पुराने रास्तों को मेडिकल कॉलेज के निर्माण के चलते बंद कर दिया गया है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि चार दीवारी को 2 मीटर पीछे किया जाए ताकि ग्रामीणों को सड़क से जोड़ा जा सके। ग्राम पंचायत जोलसप्पड़ के गांव थाई के ग्रामीणों ने गांव के लिए सड़क निर्माण समस्या को लेकर हमीरपुर एडीएम जितेंद्र साजटा को ज्ञापन सौंपा। गांववासियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य हो रहा, जहां से गांववासियों के लिए रास्ते पिछले कई वर्षों से बने हुए थे, उन रास्तों को मेडिकल विभाग वालों ने चार दीवारी लगाकर बंद कर दिया है। बता दें कि ग्रामीणों ने पहले भी इस समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द ही मेडिकल विभाग CPWDI विभाग को आदेश जारी करें, जिससे कि लिंक सड़क का निर्माण जल्द से जल्द हो सके, ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। उपायुक्त कार्यालय पहुंची ग्रामीण महिला का कहना है कि उन्होंने आज दोबारा से सड़क समस्या को लेकर हमीरपुर एडीएम जितेंद्र साजटा को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि जो रास्ते बने हैं उनको मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए उन रास्तों पर चार दीवारी लगा दी है, जिसके कारण सभी ग्रामवासियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द ग्रामीणों के लिए सड़क का निर्माण किया जाए, अन्यथा ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गांव थाई पोस्ट ऑफिस जोलसप्पड़ तहसील नादौन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। क्या समस्या है आज, क्या समस्या लेकर आए हैं? हमारी सर सड़क की समस्या है, जो हमारे गांव के लिए 2-3 सड़कें आती हैं, वो राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है उसकी वजह से उनको बंद किया जा रहा है। तो गांव वालों को सभी को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है आने जाने की, इसलिए। और उनको हमने बोला तो वो हमें सीधा ही बोलते हैं कि आप लोगों की ज़मीन में हम सड़क बनाएंगे। तो हमारी डिमांड यही है कि हमें जो भी रोड है वो अपनी बाउंड्री वाल के साथ साथ दिया जाए, पूरे गाँव के लिए करना देंगे। तो हम धरना देंगे, हमने सबके साथ अपनी अपील कर चुके हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। बोल के कुछ और जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से फिर से हमें लिखित रूप में हमें दिया जाए कि हम आपको रोड बना के देंगे और उसको ड्रेसिंग करके देंगे, उसके बाद ही हम अपना ये फैसला जो है वो तोड़ेंगे।